सो फाइनली हम लेके आ चुके हैं दो कमाल की वॉचेस, नॉइक्स की आइकन 2 विस्टा और यहाँ पे आ चुकी है पेवल की कॉस्मोस नोवा। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, काफ़ी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिलता है इसका एज कम्पेयर टू दिस वन। नॉइस की वॉच में नीचे की साइड बेजल ज़्यादा मिलती है, चारों तरफ ज़्यादा मिलती है, बट इसमें आपको बेजल्स ऑलमोस्ट कम मिलते हैं, बहुत ही कम। नीचे की साइड से और कम कर देते तो 95% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, यहाँ पे 80% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, ठीक है। इसमें 90% का मिल जाता है, 85 का कह सकते हो आप, ठीक है। और मेटल का डायल मिलता है इसमें, एल्युमिनियम का बेसिकली, इसमें भी एल्युमिनियम मिलता है, बट गाइस नॉइस की बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, गोल्ड वाला खासकर एक्सेंट बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे इसमें एमोलेड डिस्प्ले, ये काफ़ी अच्छा है नॉइस की वॉच में एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें आपको LCD IPS पैनल का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी, और 1.96 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, ठीक है। नॉइस की वॉच अगर आपको बाय करनी है, नॉइस की कोई सा भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास पेबल का कोई भी डिस्काउंट कूपन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, तो गाइस ये भी है। यहाँ पे साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको स्लिमनेस आपको डेफिनेटली इसमें वॉच में मिलेगी, थोड़ी सी प्रीमियम भी फील होती है इन हैंड इसके कंपेरिजन, बट अगेन लुक वाइज ही ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, बट अगर हैंड फील इसका प्रीमियम आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैग मिलता है, इसकी वजह से प्रीमियम फील आता है हाथ पे। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैग मिलता है, बट गाइस अगर आप हाथ पहनोगे तो ऑब्वियसली बात है लोग मतलब इसको ज्यादा प्रीमियम मानेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। बट अगेन जब डिस्प्ले ऑन करोगे तो अगेन गाइस पेबल की वॉच जीत जाएगी, क्योंकि प्रीमियम फील देती है, क्योंकि एज डिस्प्ले मिलती है, बट अगेन नॉइस की वॉच में इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूँ, नॉइस की स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी बेटर है पेबल की स्ट्रैप की क्वालिटी से, बट अगेन दोनों में ही आपको 22 mm स्ट्रैप साइज मिलता है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा पाओगे, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती है, बट अभी एक्यूरेसी चेक करेंगे, ये टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि नॉइस की वॉच की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है और इसकी भी पेबल की भी नोवा की खासकर काफ़ी अच्छी मिली मेरे को एक्यूरेसी, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे सारी सारी चीज़ें करते हैं, वैसे आप चैनल पे आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, यहाँ पे टॉगल मेन्यू खुल जाता है, ये न्यू टॉगल मेन्यू है, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है वॉच, ये आपको ये भी सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, लाउडनेस दोनों में अच्छी मिलती है आपको, ठीक है। यहाँ पे मोड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देखो कनेक्टेड है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको टॉर्च लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट गाइस अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना तो दोनों ही सिमिलर लगेंगी, एमोलेड डिस्प्ले लगेगी, बट गाइस इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं, ऑब्वियसली बात है। अब गाइस यहाँ पे हम और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मैन्यू स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, पेबल की वॉच में 5 x मैन्यू स्टाइल मिलता है, यहाँ पे आपको मैन्यू स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको नॉइस की वॉच में एक चीज़ और नहीं मिलती, वो है आपकी स्क्रीन वेक का टाइम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन, ये फ्लॉ है इसके अंदर, इसमें आपको मिल जाता है स्क्रीन वेक का टाइम वो करने का। वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन मिलता है इसमें, डिस्प्ले में मिल जाता है ये रहा स्क्रीन टाइम का ऑप्शन, ठीक है। और रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिलता है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइब्रेशन इंटेंसिटी, आप बड़ा घटा सकते हो। उसी के साथ साथ QR कोड है, पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, नॉइस की वॉच में आपको पासवर्ड सेटिंग का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। टैप एंड वो करके होम पे जा सकते हो, राइट साइड में यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाता है, और यहाँ पे आपका शॉर्टकट खुल जाता है, यहाँ पे आपका स्प्लिट स्क्रीन खुल जाती है, ठीक है। और गाइस नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं, आपका जो मैसेज नोटिफिकेशन है वो खुल जाता है इसमें ऊपर से स्वाइप करने पे। अब गाइस यहाँ पे सारी सारी चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे टैप करके मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे इधर साइड से मेन्यू खुल जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फ़ोन का ऑप्शन है, तो फ़ोन ही चेक करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लाउडनेस चेक करेंगे, होपफुली इसमें बैटरी थोड़ी सी हो, ओके कनेक्टेड है, लाउडनेस अच्छी है। और अब नॉइस में भी दिखाता हूँ आपको, ये iOS डिवाइस के साथ कनेक्टेड है ना, कनेक्ट हो गया, हो गया, हो गया। नॉइस में थोड़ा सा ज़्यादा लाउडनेस मिलती है एज़ कम्पेयर टू पेबल की वॉच, वैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी अच्छी तरीके से काम करता है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया वॉइस असिस्टेंट, ये रहा वॉइस असिस्टेंट, और इसमें भी ये रहा वॉइस असिस्टेंट। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? इसमें बता रहा है, नॉइस की वॉच में नहीं बता रहा है, क्योंकि iOS डिवाइस के साथ वही है लॉक है, उसको अनलॉक करना पड़ेगा, देन ओनली बताता है। वैसे प्रॉपर्ली वर्क करती है एंड्रॉइड डिवाइस के साथ तो दोनों ही वॉचेस, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम चेक करते हैं आगे की चीज़ें जो है, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में डाटा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। वर्कआउट में यहाँ पे वॉकिंग चेक करते हैं, 50 स्टेप चल के देखेंगे, यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किसी मिलती है, ठीक है।
सो गाइज यहाँ पे हमने 50 स्टेप चले और यहाँ पे देख सकते हो एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा बेटर है पेबल की यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉइस। देख सकते हो यहाँ पे 30 दिखा रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे 52 दिखा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट थोड़ा सा यहाँ पे पेबल कर रही है परफॉर्म। और नॉइस की वॉच आई डोंट नो यहाँ पे वैसे तो बॉक्सिंग में तो अच्छा उस टाइम जब मैंने रिव्यू किया था अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलरली यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नॉइस हेल्थ के बाद हमने चेक कर लिया। नॉइस हेल्थ में यहाँ पे चेक करना था, यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। वैसे ओड तो एयर यहाँ पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बताती है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे आपका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये भी नहीं बताएगी। और इवन यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी ओड टू द एयर आप चेक करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, तो ओड टू द एयर यहाँ पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बताती है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटर इसमें मिल जाता है, ब्रीथ रेट का ऑप्शन मिलता है नॉइस की वॉच में जो कि आपको इसमें नहीं मिलता। और आगे बात करें यहाँ पे नॉइस बस का ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया, म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ओके, बैटरी लो दिखा रहा है इसमें म्यूज़िक प्लेयर ये रहा। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और यहाँ पे स्टॉपवॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, अलार्म क्लॉक का ऑप्शन मिलता है बट आप लगा नहीं सकते दोनों में से किसी में भी। गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में ही गेम्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी दो गेम मिल जाते हैं, बट पेबल की वॉच में आप थ्रू द एप्लीकेशन और भी गेम्स ऐड कर सकते हो, 4-5 गेम्स मिल जाते हैं बट एक बार में एक ही ऐड होगा, जैसे सिंक्रोनाइज होता है ना मतलब स्पोर्ट्स मोड उस तरीके से, जैसे वॉच फेस सिंक्रोनाइज होता है उस तरीके से। कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, और ये सबसे अच्छी बात है पेबल की वॉच में कैलेंडर भी मिल जाता है जो कि आपको नॉइस की वॉच नहीं दे पाती है। ठीक है, तो ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें, अभी काम करते हैं दोनों ही वॉचेस का वेट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे जीरो हो चुका है और हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको। और गाइज ये यहाँ पे 49 ग्राम्स की है बेसिकली, तो इसको हम चेक कर लेते हैं अब नॉइस की वॉच को, तो गाइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया, कमाल की लग रही है दोनों ही वॉचेस। वैसे लास्ट मीडियम इसके लिए परफेक्ट है पेबल की वॉच, थिन रिस्ट पे नहीं चलेगी, मत लेना हाथ पे अच्छी नहीं लगेगी। नॉइस की वॉच लास्ट मीडियम टू थिन रिस्ट पे चल जाती है बट स्किन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी। नॉइस की वॉच स्किन रिस्ट पे चल सकती है बट ज़्यादा स्किन नहीं होनी, वही आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी हमने वेयर कर लिया, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे 80 दिखा रहा है और SpO2 97 दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं हार्ट रेट, यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे दिखाते हैं। और यहाँ पे 78 दिखा रहा है, SpO2 98 दिखा रहा है, 79 80 हो चुका है, हार्ट रेट 81, SpO2 98 दिखा रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी आपको दोनों में अच्छी मिलती है, वैसे देख सकते हो यहाँ पे इसमें भी बढ़ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब SpO2 चेक करते हैं यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं SpO2, यहाँ पे SpO2 97 98 दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं अब कंक्लूजन देता हूँ आप सभी को, देखो पेबल की वॉच में जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर था, गेम ज़्यादा मिल जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे पेबल की वॉच में डिस्प्ले साइज एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक फील होता है इसमें, स्लिम वॉच भी है ना। और साथ में कैलेंडर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि नॉइस की वॉच नहीं दे पाती, बट नॉइस की वॉच सबसे अच्छी चीज़ देती है जो है एमोलेड डिस्प्ले। और अभी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मिल जाएंगी आपको दोनों ही, 2500 में ये भी हो चुकी है, प्राइस बढ़ चुका है, बट अगर आपको कम प्राइस में बाय करनी तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो आप, मैं एक्चुअली 2000 रुपीज़ तक के प्राइस बैकेट में सेल कर दूंगा। ठीक है, नॉइस की आइकन 2 विस्टा आपको मिल जाएगी अराउंड 2500 रुपये के प्राइस बैकेट में, वैसे 2700 मिल रही है बट कूपन कोड यूज़ कर दो तो आपको कम प्राइस में पड़ जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पर्टिकुलरली विनर कौन सी वॉच है, एमोलेड डिस्प्ले वाली नॉइस की आइकन 2 विस्टा को मैं चूज़ करूँगा, बट अगर मैं ज़्यादा फीचर्स के लिए जाऊँ तो यहाँ पे इस वॉच को मैं चूज़ करूँगा, बट अगेन गाइस ओवरऑल मैं एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही जाऊँगा, तो नॉइस आइकन 2 विस्टा यहाँ पे विनर बन जाती है। तो गाइस ये थे डीप डाउन कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस का, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।